सबसे पहले ये जो अभी रिसेंटली एक बसो कल्याण एमएलए का जो एक हेट मॉन्गरिंग नाटक देखा गया, जाके लोगों के घरों पे एक राउडिज्म कल्चर के तरीके से बिहेव करना एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनने की निशानी नहीं है। देर इज एडमिनिस्ट्रेशन टू वर्क इसके ऊपर। जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा था कि जहाँ कहीं हेट स्पीचर्स होंगे, क्रिमिनल इंस्टिगेशन होंगे, उनके ऊपर केस किया जाएगा। तो सबसे पहले ये बसो कल्याण एमएलए जो है इस आदमी के ऊपर फौरन हेट मॉन्गरिंग और क्रिमिनल इंस्टिगेशन का केस फाइल होना चाहिए। और जहाँ तक जो आज के किसान सभा का और कृषि कुलीकर संगठन का जो आज एक प्रोटेस्ट है, जो ZP ऑफिस में आज हम सारे जमा है एक जुलूस के बाद, हमारा मांग ये है कि यहाँ पे ड्रॉट रिलीफ पैकेज दिया जाए। ये जो रीजन में जो बारिश नहीं होने से किसानों को, एग्रीकल्चर वर्कर्स को जो तकलीफ हो रही है, इनको जो इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं, इसको कंपनसेट करने के लिए इसके लिए रिलीफ पैकेज दें। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। आज गुलबर्गा में एक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, जो कर्नाटक का किसान सभा और ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन, जिसे अखिल भारतीय खेती मजदूर भी कहा जाता है, और कृषि कुलीकार संगठन कर्नाटका प्रांत रहित संघ, ये एक जॉइंट मूवमेंट था जो गुलबर्गा तिमापुरी सर्कल से लेकर ZP ऑफिस जगत सर्कल तक एक जुलूस निकाला गया, डेमोन्स्ट्रेशन। ये एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन और किसान सभा का ये डिमांड है कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि कल्याण कर्नाटका रीजन को ड्रॉट हिट डिक्लेयर किया जाए और ड्रॉट रिलीफ पैकेज अनाउंस किया जाए। अब जैसे कि बारिश का जो हाल है, एक सरसरी फिगर जो अभी तक का फिगर जो कि मैं बता दूं, जो कि जून मिड का है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डेटा है, नॉर्थ कर्नाटका में, जो कि हम कल्याण कर्नाटका कहते हैं, जिसे हम पहले हैदराबाद कर्नाटका रीजन कहते थे, यहाँ पे जो है गुलबर्गा, यादगीर, बिदर, कोप्पल, ये डिस्ट्रिक्ट में लगभग 50% रेन डेफिसिट हो चुका है। मतलब अभी तक 50% बारिश जो होना था वो ख़त्म हो चुकी है, जो नहीं हुई है, इसीलिए 50% रेन डेफिसिट कहा जाता है। और इसका रीज़न, इसका जो प्रॉब्लम ये है कि जो जून में कल्टीवेट करते थे, जो पेरावा कर सकते थे किसान, जैसे कि ग्रीन ग्राम, मूंग बोलिए, ब्लैक ग्राम, कॉटन, ये सारे चीज़ों को जो है ये कल्टीवेट नहीं कर सके हैं। ये कल्टीवेट नहीं करने से इनका एक मानसून क्रॉप चला गया। ये मानसून क्रॉप जाने से क्या होगा, ये लोगों को जो एक रिलीफ हो सकता था आने वाले 4-6 महीने में जो क्रॉप आने के बाद, अब वो नहीं रहा। अब इसी तरह मैं एक इसमें 3-4 इश्यूज के साथ या पॉइंट्स के ऊपर बात करूं। हम सबसे पहले ये जो अभी रिसेंटली एक बसो कल्याण एमएलए का जो एक हेट मॉन्गरिंग नाटक देखा गया, जो क्रिमिनल इंस्टिगेशन करने की जो हरकत देखी गई, वो एमएलए को पहले ये सोचना चाहिए कि ग्रामीण इलाकों में हालत क्या चल रही है। कोई जाके नालायकी करे, पॉलिटिकल पोलिसिंग करे। हम कर्नाटका किसान सभा और कर्नाटक ऑल इंडिया कृषि कुलीकार संगठन के जानिब से, इनकी साइड से, हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ये पॉलिटिकल पोलिसिंग बाय एमएलए, इट इज़ अनएथिकल। शायद वो एमएलए को पता नहीं है एथिक्स क्या होते हैं। जाके लोगों के घरों पे एक राउडिज्म कल्चर के तरीके से बिहेव करना एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनने की निशानी नहीं है। देर इज एडमिनिस्ट्रेशन टू वर्क। कानून है, पुलिस डिपार्टमेंट्स है, वे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, दे नो उनके ड्यूटीज़ हैं, वो जानते हैं क्या करना है क्या नहीं है। एमएलए का घरे घर जाके फिरना ये कुछ नहीं है, ये कम्युनल हेट मॉन्गरिंग और लोगों को उत्साह कर कुछ कम्युनल रिवॉर्ड्स करने की हरकत की है। इसके ऊपर जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा था कि जहाँ कहीं हेट स्पीचर्स होंगे, क्रिमिनल इंस्टिगेशन होंगे, उनके ऊपर केस किया जाएगा। तो सबसे पहले ये बसो कल्याण एमएलए जो है इस आदमी के ऊपर फौरन हेट मॉन्गरिंग और क्रिमिनल इंस्टिगेशन का केस फाइल होना चाहिए। और जहाँ तक जो आज के किसान सभा का और कृषि कुलीकर संगठन का जो आज एक प्रोटेस्ट है, जो ZP ऑफिस में आज हम सारे जमा है एक जुलूस के बाद, हमारा मांग ये है कि यहाँ पे ड्रॉट रिलीफ पैकेज दिया जाए। जैसे कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंका खड़गे साहब हैं,
बिदर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे साहब हैं और रायचूर जो है शरण प्रकाश पाटिल साहब हैं। ये जो रीजन में जो बारिश नहीं होने से किसानों को, एग्रीकल्चर वर्कर्स को जो तकलीफ हो रही है, इनको जो इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं, इसको कंपनसेट करने के लिए इसके लिए रिलीफ पैकेज दें। अब जैसा कि भाई एक जानवर बेचना जो है किसान अपने ज़रूरत में, अपने तकलीफ में बेचने के लिए पालता है, वो एक उसको सप्लीमेंट्री इनकम होती है, मेन इनकम नहीं, एक सप्लीमेंट्री वो चीज़ होती है। जब इंसान तकलीफ में है, कमज़ोर हुआ है, तो उसको एक सप्लीमेंट्री दवा दी जाती है कि वो ताकतवर हो जाए, फिर ज़िंदा रहे। उसी तरह ये जानवर पालना है एग्रीकल्चर वर्कर्स का या किसानों का, ये है कि उनसे कुछ सप्लीमेंट्री इनकम जनरेट हो। शायद ये शरणु सलगर जो बसों कल्याण MLA है, उसको किसानों की हालत पता नहीं है, वो किसानों की तकलीफ का पता नहीं है, कृषि कुलीकार संगठन की तकलीफ का पता नहीं है। उसको तो चाहिए था कि भाई ग्रामीण इलाके के लिए कैटल मार्केट को ओपन फ्री करवा दे, ताकि किसानों को जो पिछले साल भी बारिश की वजह से फसल नुकसान हो गई, उसका कुछ मुआवजा मिले, ये साल जो किसानों को फसल नुकसान हो रही है, इसका मुआवजा मिले, और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का स्कैम करके किसानों को लूटा गया है, वो शरणु सलगर MLA को ये चाहिए कि पहले फसल बीमा योजना में जो किसानों को लूटा गया है, वो उसके ऊपर आवाज़ उठाए। और इतना वो बड़ा गौरक्षक है वो MLA, अगर तो सबसे पहले अगर सच्चा गौरक्षक वो होता है जो हर तरीके से बीफ ट्रेडिंग को रोके, जबकि उसकी खुद वो MLA की पार्टी खुद जो है इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बीफ एक्सपोर्ट कर रही है, तो क्या ये MLA डरता है BJP गवर्नमेंट MLA के प्रधानमंत्री के सामने आवाज़ उठाने के लिए? गौरक्षक है तो सबके सामने आवाज़ उठाओ ना, BJP गवर्नमेंट से डिमांड करो कि बीफ एक्सपोर्ट इंडिया से बंद करे। क्यों नहीं बंद करते? ये गौरक्षक का नाटक बंद करे। ये गौरक्षा के नाम पे कमनल हेट मोंगरिंग, कमनल इंस्टिगेशन करके जो फसाद कराना, लोगों में सोशल डिसहारमोनी पैदा करने की जो हरकत है, ये फौरी रोकना चाहिए। हम इसीलिए यहाँ से कर्नाटका प्रांत रईत संघ से, किसान सभा से, कृषि कुलीकार संगठन से हम लोग ये डिमांड करते हैं कि कल्याण कर्नाटका रीजन को ड्रॉट रिलीफ पैकेज दिया जाए, और वो जो MLA बसों कल्याण का किसान रईत विरोधी, दलित विरोधी जो हरकत किया है, उसके ऊपर हेट मोंगरिंग का FIR फाइल किया जाए। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स।